हम लोग आज जा रहे हैं ट्रिप टू लो महाबलेश्वर। ये मम्मी ने सब लेके आ गए, ग्लास उधर ग्लास पड़े हैं, प्याज बटाटे सब चीज लेके आ गए कि ताकि सुबह बना के सब लोग लेके चले जाए वहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं तो कपड़े सब बिखार के रखी हूँ, तो ये लोग जाते हैं अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, वरना सुबह मिलने मिलेगा नहीं। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस आ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं ट्रिप टू लो महाबलेश्वर। ये हमेशा क्या क्या कह रहे तुम? एक बताओ, ट्रिप टू महाबलेश्वर, सॉरी मैं लोनावला मुंह में से आ रहा था। तो गाइस हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं महाबलेश्वर जाने की और साथ ही साथ हम लोग प्लान कर रहे हैं शिवापुर जाने की जो कि है पुणे में लोकेटेड। तो दानिश फर्स्ट टाइम जाने वाला है दोनों जगह, तो दोनों जगह जा रहा है। महाबलेश्वर गए तो हाँ वो पत्थर। सो गाइस वहाँ पर दरगाह पे ना जो वो ना एक पत्थर रहता है इतना बड़ा, वो अपन उठाना चाहेंगे तो वो नहीं उठेगा, बाकी सात लोग एक उंगली से उसको उठाते, वो मैं आप लोग को कल के व्लॉग में दिखाऊंगी जरूर। तो अभी फिलहाल हमें तैयारी करना है, हम लोग को कपड़े लेना है, हम लोग को पैकिंग करना है, हम लोग को मम्मी के वहाँ रुकना है क्योंकि हम लोग सब जाने वाले है घूमने। तो चलो जर्मनी, ओके, टर्की, दुबई, लोनावला, महाबलेश्वर, औकात के बाहर नहीं जाएंगे। बस हम लोग कोई चीज का वेट कर रहे हैं फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मारने की, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह, तो निकल जाएंगे घूमने। अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ लोकेटेड जो भी नजदीक जो भी नजदीक नजदीक जगह है हम लोग वहाँ जाने की सोच रहे है। ठीक है ठीक है, तुम बाल कटवाओ यार, बहुत बड़े दिख रहे, नहीं अच्छे लग रहे, बहुत बड़े, जाओ कटा के आज जाके आगे से लटक गए ऐसा लगता है, बाल सही काटे नहीं है, जो भी काटे ठीक है करवा लेना। चलो तो गाइस चलो जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग आगे। तो गाइस यहाँ पर एक पर्दा लगाने के लिए, ये हमारा टूटा फूटा पर्दा है, पाइप टूटा फूटा है, तो ये वहां से निकल गया अभी। हाँ ऐसा उसको ऊंचा करो, पीछे वाले को गोल गोल वाले को, चलो चलेगा अभी छोड़ दो, नहीं होने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग बाहर आ गए, आंटी को बोलने वाले हम लोग कल जा रहे हैं घूमने। अच्छा हाँ सही में कल हम लोग मेरी लाइफ ना बहुत बिजी हो गई है, आमीन आमीन, बच्चा घूमने वो सता डालेगी अच्छा हाँ। तो हम लोग इंटीरियर करने का सोच रहे हैं, अभी सोफा लेने वाले हैं हम लोग बकरा ईद के बाद, और उसके बाद ये सब चेंज करना है। यहाँ पर हम लोग कुछ एक चीज लाने वाले, वो आप लोगों को अगले ब्लॉग में पता चलेगा, है ना। ये यहाँ पर सोफा आएगा मस्त, ये देखो हमारा पूरा फट गया पानी से, ये सड़ गया था, फंगस हो गया, हाँ इधर कुछ और करवाना पड़ेगा, यो खराब हो जाएगा ना, यहाँ का गुस्सा कुछ करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बहुत अच्छी चीज लाने वाला, इधर भी एक अच्छी चीज लाऊंगा, इधर एक एसी लाओ सबसे पहला, एसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, खड़े खड़े बारिश चालू हो जाएगी तो मतलब, और हीट आएंगी बारिश में तो मच्छर आएंगे वो अलग, हाँ मच्छर आएंगे वो अलग, हो बीमारियाँ हो गए, सबको ही पड़ता है, चाहे लोग बच्चे के तो गर्म बैठे रहते हैं, अच्छा है एसी, जरूरत है एसी की, ड्यूटी है वो। चलो तो गाइस चलो जा रहे हैं, अभी हम लोग पैकिंग वैकिंग करने आएंगे रिटर्न घर पर, अभी से शॉपिंग वॉपिंग जो भी करना है वो सब कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। हम लोग निकल गए थे घर से, आइसल को घर पर छोड़ दिया, और अब आए हम लोग पैम्पर्स लेने के लिए, दानिश वहाँ पर ले रहे हैं पैम्पर्स, क्योंकि आइसल के जो पैम्पर्स जो खत्म हो चुके हैं, तो फिर लगेंगे अभी घूमने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो अभी जाते हैं, फिर उसके बाद मैं मम्मी के वहाँ जाऊँगी घर पर आइसल को लेके, मम्मी पापा को लेके, फिर शॉपिंग करने निकलेंगे हम लोग, ले लिए ठीक है, इसकी साइज मिलती नहीं है मेरे को इधर, इसकी साइज अवेलेबल ही नहीं रहती है, अच्छा ठीक है। सो गाइस आ गई मैं घर पर और आइजल उठ गई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, टाटा 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 टाटा।
अलाफिज। नींद में ऐसे उठी तो गाइस मेरे कपड़े लेने का है, अब्बा के कपड़े लेने का है, दानिश बोलता है देखूंगा मैं, तो अभी जा रहे हैं हम लोग सब लेने के लिए सामान। और तुम लोग सब रेडी हो गए जाने के लिए, पैकिंग हो गई तुम लोग की? कल लास्ट क्या करेगा कपड़े लेने की? हाँ अब्बा का शर्ट लेने। चलो ठीक है, हो गया हमारी शॉपिंग। यस चलो जाएंगे, चलो अभी जा रहे हैं हम लोग पापा का कपड़ा लेने। पापा मम्मी लोग भी आ गए कपड़े लेके, अब्बा लेके आ गए कपड़े। दो ले लिए, एक ले तो इसने दो दिलाई। अच्छा जींस भी दिला रहे थे ना? मैं तो नहीं लिया तो फिर से नहीं दिलाई। तू सा चेंज करने का, तू सा जा रहा उधर धब धब। बहुत कंफर्टेबल चाहिए तुमको सब चीजें, तुम्हारे दामाद जैसे हो तुम। अरे तो दुबला हो तो हो जाएगा एडजस्ट। मैं किधर से? वो भी कंटालता है यहाँ पे, जगह वो गुच्छा रखे यहाँ पे, वो साफ करने के झाड़ू रखे ले, दूसरी जगह रखे उसमें हिलू के साथ। तैयारियाँ चालू हो गई है मम्मी। और क्या करे सुबह, क्या बनाएंगे? सुबह बनाएंगे आलू, हाँ भाजी, हाँ भुर्जी, ये मुँह में डाले वो पूरा सा गंदू, अंडे की भुर्जी, अच्छा ही गई, 25 रोटी रुमाना होगी थोड़ी सबको। 15 पाव रुमाना आपके लिए ले रही है ना? 15 पाव हो गए, 5 खो गए माशाल्लाह। तो गाइस मम्मी ने सब लेके आ गए, ग्लास उधर ग्लास पड़े हैं, प्लेटें पड़ी है, प्याज बटाटे सब चीज लेके आ गए कि ताकि सुबह बना के सब लोग लेके चले जाए वहाँ पर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शिवापू की दरगाह पहले, तो वहाँ पर सब मतलब खाना वाना अच्छा नहीं रहता वहाँ पर। अभी तक इतने साल हो गए हम लोग गए नहीं, काफी टाइम हो गया ना आप उनको जाके, नहीं मिलता है। गाइस 10 साल हो गए, 10 साल पहले हम लोग गए थे, अब 10 साल बाद जा रहे हैं। हाँ सही बोले, SSC में था, हाँ 10th में था, साबू सिद्दीक में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर उसका नहीं हो रहा था। ये क्या लेके छिले गए? कल की तैयारी कर रहे गाइस, भाजी वाजी छिलेंगे अभी बैठ के, वाह वाह वाह। और गाइस हम लोग 10 साल बाद जा रहे हैं जगह पे, तो वहाँ पर रूम्स भी है बट एकदम खंडर थे, अब क्या पता चेंज हुआ होगा वह नहीं हुआ होगा। तो हम लोग सोचे थे सुफियान और हम लोग के सब लोग AC का रूम लेंगे, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, क्योंकि धूप बहुत रहेगी तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, आइजर ऐसी बीमार है ही फिलहाल, तो मेरा जाने का मन नहीं, बड़े लोग बोले तुम लोग नहीं आएंगे तो मजा नहीं आएंगी, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं ना। सही बात है, सही बात है। इरफान सही बात, सही बात है। क्या हो ना ये धूप, अभी कल भी गए थे ना, अभी ढीली हो गई थी, सही में इसका टेंशन हो जाता है। और 10 साल बाद सुफियान फर्स्ट टाइम गया था, है ना? क्या 10 साल फर्स्ट टाइम में था यार, 10 साल बाद अभी जा रहे, 10 साल बाद जा रहे ले। तो गाइस चलो मिलते हैं आप लोग को आगे। तो गाइस दानिश भी आ गए, मैं कपड़ा लाओ डिक्की में से, छोड़ो घर ही जाएगा ना, अपन घर ही जाएगा ना, अभी पैकिंग करने ठीक है, है ना? दो आइजल को सो ही नहीं रही, ये कल की तैयारी, तुमको पक्की भाजी खिलाएंगे हम लोग। नहीं पाव का लो, खा लो गरम के, अभी धंधा को तो घुसो, AC चालू है, खा लो। तुम क्या पहनोगे कल? पठानी। दानिश पहली बार जा रहा है अब्बा, कभी गया नहीं, कंधे पे ले जाना पड़ेगा। ये भी उठाएगा क्या? पत्थर। यहाँ पर सब छीलो छीलो, तुम भी आओ छीलो छीलो छीलो। अब चुकी हम लोग आ चुके हैं घर पर मेरे, और यहाँ पर हम लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं, तो कपड़े सब बिगाड़ के रखी हूँ, तो ये आइजल के कपड़े, ये दानिश के कपड़ों में, ये कपड़े मेरे बैग में है, तो अभी सब डालना है कपड़े। तो दानिश पठानी पहनने वाले हैं, मैं पहनने वाली हूँ पाकिस्तानी सूट, और यहाँ पर आइजल के सब कपड़े निकाल चुकी हूँ मैंने, तो ये सब डालना है बैग में। ओ अंकल अपने एक एक जोड़ी रहते हैं, आइजल के 3-4 जोड़ी रहते हैं, गर्म पड़ता है इसके लिए। चलो चलो जाइए, कपड़े तो रखो पहले, देखो ये पहनाएंगे अच्छा लग रहा है, बट इसका ये टेंशन हो रहा है यार, ये देखो नीचे गाड़ी में पहना था, बाकी गाड़ी से होता है तो चेंज कर देना। क्यों?
गाड़ी में तो एसी रहेगी, बाकी नीचे उतरेगा तो गरम पड़ेगा। बड़ी पतला है, इतना मोटा थोड़ी है, फूल है ना, फूल स्किन है ना पूरा। तो क्या हो गया, पतला है? अच्छा ना, खाद पर काले नहीं होंगे उसके। चलो ठीक है, बाकी टेंशन ये है। ये तो गाइस मसला यही आ रहा है कि इसका ये क्या करूँ, तो इसको काट देते क्या अपन? पागल हो गया, बड़े डिजाइन खराब हो जाएगी, वो पैर उसे खुले नहीं रहेंगे फिर यार, इरिटेट नहीं होंगे। जूते मत पहनो, हाँ जूते मत पहनो, गर्म नहीं पड़ेगा पैरों में, पड़ेगा पसीना नहीं आएगा, पैर बंद रहेंगे। तो मोजे और जूते पहना दो, मोजे नहीं पहनाती हूँ मैं, जूते पहनाती हूँ। ठीक है गाइस, देखो आइजल का इधर क्यूट क्यूट आउटफिट पहनूंगी, यहाँ पे ही क्यूट दिख रहा है, वो पहनेंगी तो और क्यूट लगेगी। और बाकी सब फ्रॉक्स ली हूँ ताकि गर्म पड़े तो ये निकाल के वो फ्रॉक्स पहन ले। अब मेरे घर पे पर्स पड़ी है, पैम्पर्स भी उधर ही है, तो पैम्पर्स वैम्पर्स सब उसमें भर देंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, है ना? सही बात है। चलो जाएंगे अभी सब कपड़े वपड़े लेके, वहाँ पर क्या माहौल है देखते हैं। अभी से खाना वाना पकाना चालू कर दिया लोगों ने, कल के हाँ ओके। हमारी वहाँ दो पोटले हमारे रेडी हो गए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर, क्योंकि आज वहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि सुबह हमारी जल्दी होगी नहीं इधर। तो मम्मी को तुम लोग लेट कर दोगे, वहाँ पर 11 बजे एग्जैक्ट निकलना है ताकि 4 बजे तक के हम लोग पहुँच सके, वरना लेट पहुँचेंगे तो वहाँ जाके मतलब कर होगा ना ही पहुँचेंगे। उसने बोला 4 बजे पहुँचेंगे, 4 नहीं ज़्यादा लंबा रास्ता है। हाँ वही बोले, बहुत ज़्यादा लंबा, पुणे से भी आगे है वो, एग्जैक्ट पुणे में नहीं है, पुणे से भी आगे। वही चलो तो गाड़ी चलो, अभी जाते हैं, अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, वरना सुबह मिलने मिलेगा नहीं, तो इसके लिए अभी आप उन भी इंशाल्लाह जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। अब्बास हो गए, उठो गाइस, अंकल सो गए, अंकल तुम्हारा वीडियो में हम लोग हाथ चूम लेंगे। जाओ ऐसा एहसान कर रहे हो तुम तो, पसंद से यार, तुम डरा के रखे हो सबको। चलो चलो जाइए, चलो हाफिज जाएंगे वापस। अरे यार रहने अच्छा लग रहा है यार, मैं अच्छे से डाली थी उसको, पागल देख देख नहीं आलसी। तो घर पर आ गए और यहाँ पर देखे तो सो गए, तो दानिश ने यहाँ पर लाइट चालू कर दिया, बोलता है इतना जल्दी तुम लोग क्यों सो रहे, चलो मैं जाता हूँ, है ना? मतलब क्या अभी तुम्हारे को सुबह में देखो मजा क्या था, फिर तुम्हारी आँखें ना तुम लाल लाल हो, ट्रिप का एंजॉयमेंट लो। अच्छा बाकी तुम सो सो के आओ, सो सो के फिर जाओ, फिर मजा थोड़ी आओ। सही बात है, समझे अब्बा, सो सो के नहीं जाना चाहिए। तुम लोग पहने भी हो कि नहीं पहनो कुछ, इतनी ऊपर चढ़ के नहीं, इनका कलर चड्डा मिल रहा है ना, तो दिख रहा नहीं है। तुम लोग क्यों सो रहे थे जोर से? मैं नहीं सो रहा था, मैं बोला डरा के उठाएंगे, सो जाओ सो जाओ। अच्छा रोमांटिक भी बैठे थे तो गाइस दानी ने लाइट बंद की, तो दानिश ने बोला कि चल जाएंगे अपन कंटा लाइट बैठ के क्या करेंगे, तो उतने में अब्बा उठ गए कि देख मैं जागा हूँ, मैं जागा हूँ, वो तो लोग भी उठ गए। उठेंगे और नींद नहीं आएंगी ये सोच के कि सुबह उठने का है ना। अच्छा झुट्टे जागे थे, हाँ मम्मी वहाँ पर एडिटिंग कर रहे हैं, आइजल सो गई इधर, और अभी व्लॉग एंड करते वो उसको सिर्फ कपड़े पहनने का है, हम लोग नहा धो के आ गए। हाँ टोपी नहीं मिली, टोपी है ब्लैक कलर की, टोपी टोपी हाँ इसी थी ना ब्लैक कलर की, क्या बोल रहे। चलो गाइस अभी सब तैयारी पका रही, मम्मी के सुबह पकाओ, सब काट काट के रख दिए मम्मी ने, के सुबह काम आसान हो जाए। तो बस मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत एंजॉय होने वाला है, अब्बा मेरे साथ रहने वाले हैं तो पूरा एंजॉय करेंगे।
तो गाइस चलो ब्लॉग इधर एंड करते हैं। आई होप लोग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।